हेलो, वेलकम टू मॉमकॉम इंडिया। आज मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हींग का पेस्ट कैसे बनाते हैं। हमने एक पहले वीडियो में बात करी थी कि हींग जो है वो एक बहुत अच्छा, मतलब हींग से अच्छा कुछ है ही नहीं। अगर आपके बच्चे को स्टमक का या गैस का प्रॉब्लम हो रहा है, हींग आपके किचन में अवेलेबल है, आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। हींग के कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। आप इसको बच्चे की बॉडी के ऊपर लगाते हैं, वो ओरली इसको नहीं ले रहा है, तो आपको कोई डरने की ज़रूरत नहीं है। आप इसको बिना किसी टेंशन के अपने बच्चे के ऊपर लगा सकते हैं और उसे फटाफट गैस से या पेट के दर्द से आराम मिलेगा। इस प्रोसेस को ध्यान से देखें, इसको फॉलो करें। अगर ये आपको सूट करा, आपके बेबी को इससे आराम मिला, तो हमें ज़रूर बताएं। हमें बहुत खुशी होगी ये जान के कि जो हमारे को हेल्प कर रहा है वो आपको भी हेल्प करेगा। तो इस पेस्ट को बनाने के लिए हमें चाहिए एक छोटा पैन, एक चम्मच जिसमें हम लेंगे पानी, हींग जो कि आप यूज़ कर सकते हैं अपने किचन से लिया हुआ हींग, और एक कटोरी। तो हम क्या करेंगे, हम पानी को इस चम्मच में डालेंगे और हम एक बड़ा चम्मच पानी का पैन में डाल देंगे। ये करने के बाद हम एक चुटकी भर हींग निकाल के डब्बे में तैयार कर लेंगे। आप इससे थोड़ा ज़्यादा भी कर सकते हैं, ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि कितना गैस है आपके बेबी को, उसके हिसाब से आप इसको थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं। अब मैं क्या करूँगी, मैं गैस ऑन करूँगी और इस पैन को जिसमें सिर्फ एक चम्मच पानी है गैस के ऊपर गरम कर लूँगी। कुछ ही सेकंड में मेरा पानी गरम हो गया है, इस पे बॉयल्स आ गए हैं, तो मैं इसको धीमा कर दूँगी। धीमा करने के बाद मैं इसमें हींग की डाल दूंगी। ये होने के बाद मैं एक चम्मच से इनको आपस में मिक्स करती रहूंगी। थोड़ा मिक्स करने के बाद मैं इसको बंद कर दूंगी और मिक्स करती रहूंगी। मैंने इसे बंद इसलिए किया क्योंकि मैं ये गरम पेस्ट अपने बेबी पे नहीं लगा सकती, मैं चाहती हूँ कि ये ठंडा हो जाए। तो मिक्स करते रहने से ये मिलता भी रहेगा और साथ में ये ठंडा भी होता रहेगा। आपको ये देखना है कि पानी का जो कलर है वो चेंज होना चाहिए, थोड़ा गाढ़ा हो जाना चाहिए। इसका मतलब है कि हींग पानी में अच्छी तरह से मिल चुकी है। जैसे ही आपको लगे कि पानी का कलर थोड़ा चेंज हो गया है, आप इसको एक कटोरी में डाल सकते हैं। आप अच्छी तरह से देख सकते हैं कि पानी का कलर जो है वो चेंज हो चुका है, पानी ने हींग का कलर ले लिया है। जैसे कि आप देख सकते हैं, ये हींग का पेस्ट हमने अभी अभी बनाया है। इसको लगाने के लिए आप अब दो उंगलियों से इस पानी को टच कर लें। इस चीज़ का ध्यान रखें कि ये हींग आपके हाथों में टच नहीं होना चाहिए क्योंकि ये बेबी की बॉडी पर नहीं लगना चाहिए। आप सिर्फ पानी लें और बेबी के नाभि के आसपास इसे सर्कुलर मोशन में लगा दें। ध्यान रखें कि ये नाभि के अंदर ना जाए और इसके आसपास भी आप इसको लगा सकते हैं। इससे बेबी को इमीडिएटली गैस से आराम मिलेगा। हींग बहुत ही जल्दी अपना काम करता है। होप आपको ये सब अच्छा लगा होगा और यूज़फुल हुआ होगा। इसको ज़रूर 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 यूज़ करें जब भी आपके बच्चे को पेट का प्रॉब्लम हो। अगर हम जो कर रहे हैं वो आपको अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, क्योंकि जो चीज़ हम जानते हैं वो सबको बताना बहुत ज़रूरी है ताकि एक दूसरे की मदद हो सके। थैंक यू सो मच, हम जल्दी वापस आएँगे।